सब्सक्राइब करने के लिए देखिए यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको यहाँ से क्लिक करेंगे और देखिए बगल में बेल आइकन आ गई है, उसको भी क्लिक करेंगे इस तरह से, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पुराने दुपट्टे या पुरानी साड़ियां सबके पास होती हैं और एक बहुत ही सर दर्द होता है कि उनका यूज़ कैसे किया जाए। तो आज एक अमेजिंग आइडिया बता रही हूँ जिससे आप पुराने दुपट्टे का और पुरानी साड़ियों का यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ एक बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज़ आपके घर में आ जाएगी जो इस दिवाली आपके काम में आएगी। तो गाइस लेट्स गो। यहाँ पर हम पुराने दुपट्टे का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको रिप्लेस करके आप पुरानी साड़ी का भी यूज़ कर सकते हो। पुरानी साड़ी में आपको एक साड़ी का खर्चा आएगा और पुराने दुपट्टे के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट 6 से 9 दुपट्टे लग जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो। तो आज हम बना रहे हैं पुराने दुपट्टों से या पुरानी साड़ी से डोर मैट, जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं पुराने दुपट्टों का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो पुरानी साड़ी का यूज़ करो। पुरानी साड़ी से एक या दो साड़ी से आपका हो जाएगा, लेकिन पुराने दुपट्टे से आपके 6 या 9 से होंगे। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप, मैंने पुराने दुपट्टे जो मैं यूज़ लगभग नहीं करती हूँ, बहुत सालों से पड़े हुए हैं, उनको मैंने निकाल रखा है। तो उनको सेटिंग कर लेते हैं। पहले हम 3 का सेट बनाएंगे पहले हम। तो गाइस यहाँ पे हमें दुपट्टों की किनारी जो है उसको हमें इस तरह से इकट्ठी करनी है। देखिए इस तरह से कुछ ये मैंने ऐसे कर ली और ये पूरे हाथ से इस तरह से बराबर कर दिया। देखिए ये इस तरह से, इसी तरह से हमें दूसरे दुपट्टे को भी करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी किनारी पकड़ ली है और इस तरह से मोड़ते हुए देखिए इसको भी हम हाथ से प्रेस कर देंगे एक बार। तो ये भी किनारी आ गई हमारी दूसरी वाली दुपट्टे की। ये दोनों छोर हमने एक साथ एक बराबर पकड़ लिया है यहाँ पे जिस तरीके से। और ये तीसरा मेरा दुपट्टा है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। देखिए तीनों इस तरह से, मैंने तीनों दुपट्टों को इस तरह से पकड़ रखा है यहाँ पे, और इनका सिरों को हमें या तो रबड़ से या किसी एक चीज़ से बांध देना है, टेम्परेरी बांधना है, बाद में खोलना है। तो क्लेचर से भी लगा सकते हो आप, सेलो टेप से कर सकते हो या फिर किसी चीज़ से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैटन कटा हुआ मेरे पास था, उसी से बांध रही हूँ। चाहो तो आप पुराने कोई भी कपड़े से बांधो। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा कस के बांधना है, और क्योंकि ये खुले ना बीच में हमारे काम में, तो इस तरह से बांध लूँगी मैं। बाद में इसको हमें खोल देना है। तो ये हम मैंने बांध लिया यहाँ पे और ये तीनों इकट्ठा हो गया। अब हमें इन तीनों को अलग अलग कर देना है और इनकी हमें चोटियाँ बनानी हैं, जिस तरह से हम अपने बालों पे बनाते हैं उसी तरह से। यहाँ पे थोड़ा निकल गया है तो मैं इसको फिर से बांध लूँगी। चोटियाँ बनानी हैं जिस तरह से हमें अपने बालों पे हम बनाते हैं उसी तरह से बनानी है। तो उस तरह से हम चोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए कि इस तरह से ये देखिए और नीचे से ये पोर्शन हमको अलग करते रहना है, सारा अलग करते जाना है और इस तरह से ये चोटी बनाते जाना है। देखिए इस तरह से, तो देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगा। मैं बना रही हूँ तरह से, ये बनता जाएगा और नीचे से ये सुलझाते जाएं आप दुपट्टों को, नहीं तो ये आपस में उलझ जाएंगे। और इसको पूरा ये खींच करके बनाते जाना है हमें।
तो गाइस यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी तक मैंने 3 दुपट्टे ही लगाए थे इसमें और ये लास्ट तक कंप्लीट हो गया है और एक दुपट्टा छोटा हो गया है क्योंकि छोटा बड़ा दुपट्टा हो जाता है अक्सर। तो जो दुपट्टा छोटा हो गया है उसमें हम दूसरा दुपट्टा ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा दुपट्टा ज्वाइन करेंगे हम। दूसरा दुपट्टा ज्वाइन करने के लिए गाइस थोड़ा सा इसको एक चोटी जो है एक चोटी का वो खोल देंगे हम और थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे इसका सिरा। और यहाँ से इसका कॉर्नर जो है देखिए ये कॉर्नर मैंने लिया है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। तो ये कॉर्नर जो है इधर से ये अंदर की तरफ कर दिया, देखिए ये अंदर हो गया। और इसमें मैंने यहाँ से इसको इस तरह से लगा दिया इसी तरह से। जिस तरह से पूरा दुपट्टा हमने इसी के ऊपर से अब हम इसको चलाएंगे तो ये पकड़ लेगा इसी तरह से। अभी देखिए आप किस तरह से ये पकड़ता है। देखिए मैंने इसमें लगाया हुआ है दूसरा दुपट्टा और इसको हम अब चोटी बना रहे हैं और ये अच्छे से एडजस्ट हो गया इसमें। और इसी तरह से टाइट टाइट अब हमें बनानी है। अब चूंकि दूसरा दुपट्टा भी ख़त्म हो रहा है तो हम दूसरा दुपट्टा भी इसी तरह से लगा लेंगे इसमें। यहाँ पे तीनों दुपट्टा ख़त्म हो रहा है मेरा और थोड़ा सा बचा हुआ था एक दुपट्टा तो मैंने उसको कट कर दिया है क्योंकि दो दुपट्टे ऑलरेडी ख़त्म हो गए थे मेरे, तो इसीलिए मैंने दोनों को कट करके बराबर कर दिया। और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे इस तरह से बांध लेंगे कस के। तो इसी सेटन से मैं बांध लूँगी इसको, बांध के इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरी लंबी चुटिया मेरी बन के तैयार हो गई है इन दुपट्टों की। और इनको बनाने के लिए 3 दुपट्टे लगे हुए हैं। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फिर से जहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे चूँकि डोर मैट बनाना है तो मैंने 4 दोहरे धागे डाले हैं वो भी बड़ी वाली सुई में। अब इनकी सिलाई लगानी है हमें। तो सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे हम इसको नॉट को जो हमने लगाया था उसको खोल देंगे। तो ये कट कर दूँगी मैं। और ये तीनों खुल गए हैं आप देख सकते हो। तो किसी एक दुपट्टे में तीनों को इन कर दें इस तरह से। देखिए तीनों के सिरे को अच्छे से किसी एक वाले छोर में इन कर देना है ताकि अच्छे से ये अंदर हो जाए। और ऊपर से भी फोल्ड करने की थोड़ा सा कोशिश करें। देखिए इस तरह से मैंने इनको फोल्ड कर दिया है, अच्छे से अंदर कर दिया है। अभी इस पर सिलाई लग जाएगी तो फिर ये पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये तीनों अंदर हो गए हैं। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई इस तरह से कुछ लगा देंगे ताकि इनका सिरा जो है बंद हो जाए। यहाँ पे नॉट लग गई थी तो मैंने इसको कट कर दिया है। तो इस तरह से मैंने इन दुपट्टे को अंदर से बंद कर दिया। देखिए ये तो तीनों आपस में बंद हो गए। ये देखिए कुछ इस तरह से अब ये नहीं निकलने वाले हैं। अब हम इनको सेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सेट करने के लिए कुछ इस तरह से इनको हम लेंगे और ये किनारी इनको इस तरह से पकड़ते हुए इनकी सिलाई किनारी टू किनारी सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये मजबूत होता जाए।
और इस तरह से घुमा घुमा के पूरे हाथ से रख के और हाथ से प्रेस कर करके इनको घुमाते जाना है। और इस तरह से कुछ डोरमेट को हमें तैयार करना है। इस तरह से कुछ ये आता जाएगा, बीच से भी प्रेस करना है और इस तरह से हमें कुछ सिलाई लगाती जानी है। इससे पूरा अच्छे से ये गोल होता जाएगा और डोरमेट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे धागा ऑलरेडी है मेरे पास और कुछ इस तरह से मैं इसमें ज्वाइन कर रही हूँ और सिलाई कुछ इस तरह से लगानी है कि दोनों तरफ से डोरमेट हमारा यूज़ में आए, सिलाई ज़्यादा पता ना चले। तो मिलता जुलता धागा लेना है। धागा चार दोहरा लीजिए ताकि सिलाई टूटे ना बाद में। मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। थोड़ा सा लाइट धागा रेड लिया है मैंने, इनसे अलग लिया है ताकि आपको सिलाई दिखाई दे कि किस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप दुपट्टे से मैचिंग धागा लीजिएगा। तो इस तरह से सिलाई लगानी है, देखिए इस पे रखते हुए। बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है दो स्टिचिंग के बीच में। में आप कॉटन या जॉर्जेट कोई भी दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, बट कॉटन रहेगा तो और बेटर है। तो देखिए धागा ख़त्म हो रहा है मेरा, लेकिन इस तरह से देखिए ये आएगा। इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे हम और इस तरह से बनाते जाएंगे। तो मैं धागा लगा लेती हूँ दोबारा। तो गाइस कुछ ये इस तरह से सिलाई हो रही है और इसी तरह से आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से सिलाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। बस धागे को मजबूत रखना है हमें और खींच खींच के सिलाई करनी है। बस इस तरह से दुपट्टों में फंसाना है और दूसरे दुपट्टे में हल्का सा निकाल देना है अंदर की तरफ से। इस तरह से देखिए खींच खींच के सेम कलर का धागा लीजिएगा तो एकदम दिखाई नहीं देगी सिलाई, बहुत ही काम आएगा ये आपके। तो इसी तरह से पूरे दुपट्टों में हमें लगा लेना है और ये पूरा दुपट्टा हम कर लेंगे। आगे भी जो जॉइंट है उसमें भी इस तरह से गोल 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 घुमाते जाना है और इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर सिरा जब आएगा यानी कि लास्ट वाला कॉर्नर, तो उसको बताएंगे हम किस तरह से करना है। तो पहले ये कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये डोरमेट बन के रेडी हो गया है। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से सिलना स्टार्ट किया था, वहीं से हमने एंड पॉइंट कर दिया है उसी तरह से। तो उसी फॉर्मूले से आप एंड पॉइंट कर दें और ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मार्केट से भी अच्छा सिल के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने 6 दुपट्टे का यूज़ किया है, लेकिन अगर आपको इससे बड़ा भी चाहिए तो आपको दुपट्टे को और ज्वाइन करना होगा। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक और बना रखा है अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी का यूज़ किया है जो पुरानी साड़ी थी और इसमें मैंने एक साड़ी को पीस से काट दिया है। तो आपको अगर साड़ी यूज़ करनी है तो वो उसमें आप 4 से 5 अंगुल साड़ी को ऊपर से छोड़ दें और फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें साड़ी को, लेंथ में, लंबाई में, और फिर उसकी चोटी बना लें। 4 से 5 अंगुल जो ऊपर से आप छोड़ेंगे वहाँ पे आप कोई रबर या फिर इसी तरह से कपड़ा बांध लें और फिर इसी पैटर्न से, इसी फार्मूले से आप इसको इस तरह से आप डोरमेट बना लें। अगर उससे भी आपको बड़ा चाहिए होगा तो फिर साड़ी में आपको अलग से कपड़ा अटैच करना होगा, नहीं तो फिर दुपट्टा अटैच कर दें आपको थोड़ा चाहिए होगा तो। तो गाइस इस तरह से आप बना लीजिए, दिवाली में काम आएगा या फिर आप डोरमेट पे डोर पे तो रखोगे। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अच्छा वाला नहीं रख सकते हो, तो इस तरह से हैंड वाला बना के आप रख सकते हो। इस
स्टोर रूम में है, किचन में इस तरह से दो बना करके या ज्वाइन करके आप बाथरूम के बाहर रख सकते हो, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप रख सकते हो। तो गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और मेरी नए कुकिंग चैनल है जिसको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय।